अब चुनाव के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। वहीं राजनीतिक दल जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशियों के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी। इसी के साथ ही कुशीनगर और देवरिया लोकसभा सीट पर अटकलों को भी खत्म कर दिया। मायावती के इस दाव के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को तगड़ा झटका लगा है। तो कैसे लगा स्वामी प्रसाद मौर्य को झटका, देखिए इस रिपोर्ट में। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशियों के लिए उत्तर प्रदेश में चौथी लिस्ट जारी कर दी। इसी के साथ ही कुशीनगर और देवरिया लोकसभा सीट पर अटकलों को विराम लगा दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कुशीनगर लोकसभा सीट से शुभ नारायण चौहान और देवरिया लोकसभा सीट से संदेश यादव पर दाव लगाया है। बीएसपी द्वारा जारी की गई इस लिस्ट के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को तगड़ा झटका लगा। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और बीएसपी के साथ जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन मायावती ने कुशीनगर सीट उम्मीदवार की घोषणा कर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। आपको बता दें कि कुशीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी ने विजय दुबे को उम्मीदवार घोषित किया, जबकि इंडिया गठबंधन ने अजय प्रताप को मैदान में उतारा है। देवरिया लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर अखिलेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में है। वहीं बीजेपी ने शशांक मणि त्रिपाठी को उम्मीदवार घोषित किया। वहीं अब मायावती ने भी इन दोनों सीटों को लेकर अपने पत्ते खोल दिए, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है।